नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे हो, अभी लगभग हमारा रनिंग प्रॉफिट चल रहा है 4000 के आसपास, और जो हमने 300 क्वांटिटी शॉर्ट की थी, मतलब 12 लॉट शॉर्ट किए थे 29,800 के कॉल के, उसका सेलिंग प्राइस भी दिखा देते, ऑर्डर्स भी दिखा देते। अभी उसका स्टॉप लॉस मैंने लगाया 129 पे लगाया है, और कंप्लीटेड ऑर्डर भी दिखा देते। ये 300 क्वांटिटी हमने शॉर्ट की थी उसकी, ये देख सकते हो 29,800 की 300 क्वांटिटी, 10:30 बजे के आसपास शॉर्ट की थी, और उसमें 200-250 करके ऐसे मैंने क्वांटिटी में प्रॉफिट बुक किया, और एक लॉट रखा है अभी भी। तो देखते हैं मार्केट कैसा रिएक्ट करता है, कुछ चीज़ें मैं बताने की कोशिश करूंगा। अगर आप मेरी चीज़ों को पकड़ सकोगे तो आप कोरिलेट करके समझ सकोगे कि एक ट्रेडर कैसे अपना थॉट प्रोसेस चलाता है मार्केट के ऊपर, और कैसे सोचता है क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पे मेरे दो स्टॉप लॉस हिट हुए थे, सबसे पहला 2000 का हुआ था, उसके बाद 2800 के आसपास हुआ था, और उसके बाद 5 रुपये का स्टॉप लॉस हिट हुआ था। तो ये मेरे जो ये सारे स्टॉप लॉस थे मेरे पॉकेट साइज के हिसाब से थे। तो जब भी आप ट्रेड लो तो सबसे पहले देख लो कि आपका पॉकेट साइज कितना है, उसी हिसाब से अपना स्टॉप लॉस फिट करो। क्वांटिटी ज़्यादा लेने से प्रॉफिट ज़्यादा होता है ये पता है, लेकिन अगर क्वांटिटी ज़्यादा लेके आप स्टॉप लॉस भी दे दोगे तो आपका कैपिटल 50-60% वाइप अप हो सकता है। तो चलिए चार्ट के ऊपर जाके मैं दिखाता हूँ। देख सकते हो रनिंग प्रॉफिट चल रहा है अभी 3980 वगैरह 4000 के आसपास चलेगा। मैं इसको 330 तक होल्ड करूंगा, और मैं कुछ इसके ऑर्डर भी दिखा देते हैं, फिर से एक बार स्क्रीन रिफ्रेश करके दिखा देते हैं। उसी के साथ साथ आज का टाइम और डेट भी आपको दिखाएंगे। देख सकते हो अभी भी रनिंग शुरू है, ठीक है। तो सबसे पहले स्पॉट के चार्ट के ऊपर चलते हैं। आज मार्केट में बहुत ही वोलेटाइल है दोस्तों, क्योंकि निफ्टी बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ था, और बैंक निफ्टी कुछ लगभग 150-200 पॉइंट के आसपास ही गैप अप ओपन हुआ था। लेकिन आज बहुत ही मतलब एक नया कुछ तो मार्केट ने सिखाया है, तो वो चीज़ें मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। देख सकते हो ये पहला ही जो रेड कैंडल बना था, ये कैंडल लगभग 200 या 150 पॉइंट का था, उसके बाद अच्छा खासा फॉल आया था, और ये जैसे ही इसने अपना प्राइस एक्शन बना के नीचे जाने की कोशिश की, तो हमने यहाँ पे 29,600 का कॉल और 29,700 का कॉल शॉर्ट किया था, लेकिन उसमें अपना हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ। उसके बाद हमने क्या किया, देख लिया क्या हो रहा है, तो कुछ चीज़ें बताने की कोशिश करूंगा। तो सबको पता था कि 2-3 दिन से मार्केट में थोड़ा बेरिशनेस से मार्केट नीचे जाएगा, तो क्या होता है ऐसे समय पे बहुत ज़्यादा शॉर्ट साइड ऑर्डर ट्रिगर होते हैं, तो थोड़ा मैनिपुलेशन भी होता है मार्केट में, सब चीज़ें चलती है दोस्तों। आपको खाली अपना मतलब जो भी माइंडसेट है वो क्लियर रखना है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पहले सेलिंग साइड में थे और बाद में आप बाइंग साइड में चले जाओ, इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब आप टेक्निकल एनालिसिस परफेक्ट नहीं है आपका, आप जैसा मार्केट रिएक्ट कर रहा है वैसे ट्रेड ले रहे हो। तो मेरा पहले से ही मैं बेरिश था मार्केट के ऊपर, मैं शॉर्ट सेलिंग के ऊपर ही बैठा था, मैंने कॉल शॉर्ट किए थे, उसका मतलब क्या था मार्केट नीचे जानी चाहिए, और हुआ भी वैसा। लेकिन पहले ही एक कैंडल विद इन 1 या 2 सेकंड्स के अंदर 200-300 पॉइंट का फॉल आता है, तो इसका मतलब बहुत बड़ा सेलर कोई तो है जो इस लेवल के ऊपर बैठा हुआ है। तो उसने क्या किया, से नीचे आने की कोशिश की, तो स्टॉप लॉस सबके यहाँ पे हिट हुए होंगे। अगर किसी ने बड़ा रखा है तो उसका बहुत बड़ा लॉस हुआ होगा आज। तो उसके बाद क्या हुआ, हमने 29,800 का कॉल देख लिया था कि कब शॉर्ट करना है, तो एक मैं आपको दिखा देता हूँ, लॉजिक भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले क्या किया मार्केट ने, ये अपना जो हाई था सुबह का उसको क्रॉस किया, लेकिन जैसे क्रॉस कर टच किया एक सेलिंग आया, लेकिन सेलिंग ने क्या किया दोस्तों, ये जो पहला कंसोलिडेशन जोन था वहां पे सपोर्ट लेके फिर से एक बार ब्रेकआउट दे दिया। तो मैं समझ गया था कि मार्केट अभी नीचे नहीं आने वाला है, तो क्या हो सकता था, सबके स्टॉप लॉस कहाँ पे होंगे, ये जो आज का दिन का हाई है उसके थोड़ा सा ऊपर सबके स्टॉप लॉस होंगे, तो सबके स्टॉप लॉस लेने के बाद मार्केट नीचे आया, ये फर्स्ट साइन था। लेकिन जब फर्स्ट सेलिंग या फर्स्ट बाइंग आता है तभी आपको कभी भी सेलिंग या बाइंग नहीं करना है, उसको इम्पल्स मूव बोला जाता है, वो आपको बहकाने के लिए बनाया जाता है, तो उसमें आप कभी भी मत एंट्री कीजिए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता था कि नीचे थोड़ा सा रिट्रेस हो के फिर से ऊपर चला जाए। इसलिए हमेशा एक पैटर्न ढूंढिए, उसको ब्रेक होने की वेट कीजिए, अपने मन से ट्रेड मत लीजिए, क्योंकि क्या होता है बहुत बार आप सोचते हो पहले बाय करना है बाद में सेल करने के लिए बैठ जाते हो, मतलब आप पहले बायर होते थे लेकिन बाद में सेलर बन जाते हैं। तो मैंने क्या किया, देख सकते हो यहाँ पे एक छोटा सा पैटर्न बन रहा था डब्ल्यू टाइप पैटर्न, तो जैसे ही इसने अपना पैटर्न ब्रेक किया तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के मैंने 29,800 का कॉल शॉर्ट किया था। तो स्पॉट में ये देख सकते हो 10:36 मैंने टाइमिंग भी दिखा दिया था आपको, 10:36 में स्पॉट का प्राइस क्या चल रहा था 29,800, और अभी क्या चल रहा है 29,676, मतलब मेरे जहाँ पे मैंने कॉल शॉर्ट किया था उसके नीचे लगभग 130-140 पॉइंट अभी भी मार्केट है। तो क्या 330 तक मार्केट चली भी जाए यहाँ पे और क्लोज हो जाए, फिर भी मैं पूरे पॉइंट अर्न करूंगा, क्योंकि मैंने कॉल शॉर्ट किया, यही बेनिफिट होता है कॉल या पुट शॉर्ट करने का, ऑप्शन सेलिंग का यही बेनिफिट होता है। तो अभी भी देख सकते हो, मैं टाइम दिखा देता हूँ, 11:06 हो चुके हैं, और डेट देख सकते हो 3 दिसंबर है आज,
तो ये था मेरा लॉजिक ट्रेड लेने के पीछे। ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, 15 मिनट में भी थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आप हमारे वीडियो देखते हो तो आपको कुछ चीज़ें समझने को मिलेगी, और अगर हमारा एनालिसिस और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़रूर शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये स्क्रीन अभी ठीक है, मैं अभी दिखा देता हूँ, ये 15 मिनट में आपको आप समझ पाओगे। तो देख सकते हो ये पहला सेलिंग आया 15 मिनट का कैंडल, उसके बाद एक बड़ा मूव आया और उसने अपना हाई क्रॉस कर लिया और फिर से एक बार नीचे आने की कोशिश कर रहा है। अभी क्या हो सकता है, तो अभी क्या हो सकता है, मार्केट थोड़ा सा यहाँ तक जाने की कोशिश करेगा, और अगर इसने अपना जो पुराना हाई है आज का दिन का वो क्रॉस नहीं किया तो मार्केट फिर से एक बार नीचे आ सकता है। लेकिन ये बहुत बड़ा मूव नहीं करेगा, क्योंकि आज दोस्तों वीकली एक्सपायरी है, तो मार्केट थोड़ा वोलाटाइल सेशन करेगा और बीच में कहीं जाके बंद होगा। तो ये बन जाता है आज के लिए उसका अपर रेंज, और ये बन जाता है उसके लिए लोअर रेंज। ये क्या है, 29,550, और ऊपर का है 29,800। तो इसी बीच में कहीं 100-300 के पॉइंट, इसी बीच में मार्केट आज क्लोज होने का चांसेस बहुत ही ज्यादा है दोस्तों। वोलेटिलिटी मार्केट में बहुत ही बड़ी है, तो आप जब भी ट्रेड लो आज थोड़ा क्वांटिटी कम रखो और अपना रिस्क भी थोड़ा कम रखो। मार्केट कल भी खुलने वाला है, तो वेट करो अच्छे ट्रेड का, और अच्छे से एनालिसिस करने के बाद ही ट्रेड लो। तो मैं एक बार स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूँ, जैसे कि देख पा रहे हो अभी थोड़ी देर पहले 4,000 था, लेकिन फिर से एक बार नीचे ऊपर कॉल आ चुका है, तो 3,700 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। मैं इसको होल्ड करने वाला हूँ 3:30 तक, और मेरा स्टॉप लॉस भी बिल्कुल सटीक मैंने बताया बिठाया हुआ है उसको, तो वेट करेंगे। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाले ऐसे वीडियो देखने के लिए टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप हमारे टेलीग्राम के चैनल के साथ जुड़ सकते हो। वहाँ पे हम इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं, और कभी कभी अच्छे कॉल भी प्रोवाइड करते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से। और अपडेट पाने के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हो। तो आज का वीडियो यही खत्म कर देते हैं दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।